सॉलिड्स वगैरह ये पढ़ा तो हुआ है ना मैंने, क्यूब वगैरह के बारे में आप लोगों ने. सो दिस इज अ सॉलिड नेम, दिस इज इट्स शेप और फिगर यू कैन से. देन हियर वी आर हैविंग द लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल और कर्व्ड दोनों में से कोई भी हो सकता. And total surface area and volume. First figure है हमारी cube, किससे बनती है ये? Square से बनती है. It means all the dimensions will be of same length. तो इसकी अगर मैं साइड ए लेती हूँ तो lateral surface area, जहां पे हम बात कर रहे हैं lateral surface area, इट मीन्स टॉप और बॉटम को छोड़ के ये फोर वॉल्स की बात हो रही है. ठीक है, ये हालांकि क्यूबॉइड शेप है, जस्ट मैं लेटरल सरफेस एरिया का कंसेप्ट बता रही हूँ. ये फर्स्ट फेस, सेकेंड फेस, थर्ड फेस एंड फोर्थ फेस. अगर हम रूम की बात करें तो रूम का रूफ और फ्लोर छोड़ के जो इसकी फोर वॉल्स है, ठीक है, उन फोर वॉल्स का जो टोटल एरिया होगा दैट इज द लेटरल सरफेस एरिया. अब यस, एक स्क्वायर जो है एक साइड पे एक स्क्वायर बन रहा होगा, दिस इज ए, दिस इज ए, तो एक साइड का एक फेस का जो आपका एरिया है दैट इज ए स्क्वायर. फोर फेसेस के एरिया लेके चलने हैं तो लेटरल सरफेस एरिया इज फोर ए स्क्वायर. फिगर बनानी है आपने, एक स्क्वायर ये बनाओ, एक स्क्वायर ये बनाओ और कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दो. कॉर्नर्स ज्वाइन करते हुए ओवरलैप नहीं करने चाहिए, ये ध्यान रखना. तो दिस इज अ क्यूब with side A, length, breadth and height, ठीक है, ये length हो गई, ये breadth हो गई और ये height हो गई. Square के केस में all these dimensions will be same. So what will be the total surface area? Total surface area में क्या होगा, आप top और जो bottom है उसको add कर दोगे, यानी कि दो squares का area और add हो जाएगा, तो 4 + 2 = 6a². Volume में तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर दोगे, ए इंटू ए इंटू ए, बेस सेम, पावर्स ऐड हो गई, तो दिस इज ए क्यूब. ठीक है जी, क्लियर. क्यूब फिगर हो गई, देन लेटरल सरफेस एरिया, जहां पे साइड्स आ रही हैं इस तरीके से, कर्व्ड पार्ट नहीं है, देयर वी विल से दिस जो है इसको हम कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया. If we are having a curved portion in the solid, तो हम उसको lateral surface area ना कह के curved surface area कहेंगे. Total surface में जितना भी उसके surfaces बनते हैं उनका sum total, volume में कि कितनी capacity है उसकी, कितनी वो किसी चीज को hold, कितनी quantity of anything it can hold, that gives the volume. Then we are having cuboid. Cuboid में all the dimensions may or मे बी सेम भी हो सकती है, कोई दो डायमेंशंस, ये दो रेक्टेंगल्स बना लिए आपने, कॉर्नर्स ज्वाइन कर दिए विदाउट ओवरलैपिंग, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट. इनमें से कोई दो डायमेंशंस आपकी सेम हो सकती हैं, अदरवाइज हम नॉर्मली अगर लेके चले जनरल वे में हम कहते हैं कि ऑल द डायमेंशंस आर डिफरेंट. अगर तीनों की तीनों डायमेंशन सेम हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब, क्यूब बन जाएगा. अगर कोई दो सेम है थर्ड डिफरेंट है देन आल्सो इट विल बी नोन एज द क्यूबॉइड. अब लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो 1, 2, 3 and 4 रेक्टेंगल बन रहे, लेंथ है और क्या है यहाँ पे, ब्रेथ की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा लेटरल सरफेस एरिया. अच्छा एक मिनट, ये बताओ मुझे, ये लेंथ है ठीक है, ये ब्रेथ है कि ये ब्रेथ है, दोनों में से कौन सी ब्रेथ है? दिस वन इज द ब्रेथ, दिस वन इज द हाइट, और ये क्या है, लेंथ है. पहले इस वाले फेस का बताओ मुझे क्या बनेगा, एल इंटू बी और एच, ये लेंथ है, ये क्या है, हाइट है, तो एल इंटू बी कैसे हो जाएगा इस वाले फेस के लिए, क्या होगा, एल इंटू एच, एल एच लिख रही हूं मैं, मल्टीप्लाई का साइन नहीं डाल रही. बैक फेस भी सेम बनेगा, ये लेंथ है ये हाइट है, तो एल एच दोनों को ऐड किया 2LH बन गया. अब इस वाले फेस पे आओ, यहाँ पे क्या है, ब्रेथ है और हाइट है, क्या बनेगा, और इधर वाले फेस का भी टोटल कितना हो गया, BH प्लस BH, 2BH, 2 और H कॉमन आ सकता है इसमें से, बाहर बाद में लिख देंगे.
अब 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और एच इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। यानी कि अगर मैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस गिव्स मी द लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया भी इसको कह सकते हैं, समटाइम्स क्वेश्चन में एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी आ जाता है, तो दैट मीन्स लेटरल सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला क्या है इसका? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, वेयर एल इज द लेंथ, बी इज द ब्रेथ, एच इज द हाइट। अब जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में टॉप भी ऐड हो रहा है, ठीक है, ये टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया। जब हम टॉप की बात कर रहे हैं तो दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ, बॉटम की बात कर रहे हैं दिस इज द लेंथ दिस इज द ब्रेथ, तो क्या ऐड हुआ बीच में टोटल में? 2LH plus 2BH, अब इसमें 2LB ऐड हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो है तीन डायमेंशन है इसकी, तो ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। तो जो टोटल सरफेस एरिया है, हाँ जी, टू कॉमन ले लोगे तो ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। नाउ वॉल्यूम, अगेन सभी डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो तो एल इंटू बी इंटू एच। डन, चले आगे। अब ये मेरे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, इस रेक्टेंगल को मैंने ये टर्न कर दिया इस तरीके से, ये क्या बन गया? सिलेंडर बन गया। ये क्या है? बेस ऑफ द सिलेंडर। ये टॉप लिया अगर तो मैंने ये बेस हो गया, और ये क्या है? दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब मुझे सिलेंडर का क्या निकालना है सबसे पहले, क्योंकि इसमें देखो ये पोर्शन जो है कर्व्ड आ रहा है, तो यहाँ पे हम लेटरल सरफेस एरिया नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे इसको? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये लेंथ है, ये क्या है? हाइट है। यानी कि अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। जब मैंने इसको टर्न करके क्या बना दिया? सिलेंडर। अब जो लेंथ थी यहाँ पे, लेंथ क्या बन गई सिलेंडर का? बेस तो बन गई। ये क्या है? कर्व भी है। इस चीज को, सर्कल के इस चीज को जब हम लेके चलते हैं, बाउंड्री को लेके चलते हैं, दिस इज द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। ये सर्कल की क्या बन गई? सर्कमफ्रेंस। यानी कि जो ये लेंथ थी अब वो क्या बन गई? इसकी सर्कमफ्रेंस। और जो ब्रेथ थी वो क्या बन गई? हाइट बन गई, ठीक है। तो जब हम सरफेस एरिया की बात करेंगे इसके लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो किससे बना है ये? रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब मैंने ये शेप लेंथ इंटू ब्रेथ से चेंज करके क्या बना दी? सिलेंडर। हाँ जी, यस। तो अब लेंथ से क्या बन गई? सर्कमफ्रेंस। क्या फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस का? 2πr। और ब्रेथ क्या बन गई? हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट h से डिनोट की, तो ये क्या बन गया? 2πr इंटू h, यानी कि 2πr h। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो गया आपका? 2πr h। सिलेंडर की शेप आपको पता है, दिस इज द रेडियस, दिस इज हाइट, तो दिस इज 2πr h। अब टोटल सरफेस एरिया में ये इसका जो है एरिया क्या बनेगा? सर्कुलर शेप है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सेम वे में बॉटम इज पाई आर स्क्वायर, तो 2πr स्क्वायर हमने क्या किया? कर्व्ड सरफेस एरिया में ऐड कर दिया। तो 2πr h प्लस टॉप और बॉटम का एरिया 2πr स्क्वायर, इसमें से 2πr आपका कॉमन आ गया, तो दिस इज 2πr इंटू एच प्लस आर, या आर प्लस एच, आप कुछ भी लिख सकते,
ठीक है, क्लियर। यहाँ पे स्क्वायर था, एक मैंने बाहर ले लिया तो एक आर आपका अंदर रह गया। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इज, हाँ जी, टोटल सरफेस एरिया में एक तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया बॉटम का एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2πRh, πr² ऐड हो गया, πr² प्लस πr² इज 2πr², लेटरल सरफेस में ऐड किया तो 2πr कॉमन लेके r प्लस एच या h प्लस r। जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया में क्या लेके चलते हैं, सरफेस लेके चलते हैं। अब जब सिलेंडर की बात हो रही है तो इसका जो है वो सरफेस क्या बन रहा है, एक तो ये सर्कल बन रहा है और ये हाइट बन रही है। दोनों में से कोई एक सर्कल ले लो, चाहे ऊपर का लो चाहे दोनों का, दोनों इकट्ठे नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एरिया यहाँ पे कवर हो गया। हाइट क्या है h, एरिया क्या है πr², तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सभी डायमेंशन का प्रोडक्ट लेते हो तो πr² h, वेयर r इज द रेडियस, h इज द हाइट। एरिया क्या होता है कि कितना जो है सरफेस है जो भी आपको फिगर गिवन, ठीक है। अब इसके जब हम सरफेस की बात कर रहे हैं तो या तो आप ऊपर वाला जो है सर्कल का एरिया लो या नीचे वाले सर्कल का एरिया लो, दोनों इकट्ठे नहीं लेने हैं, क्योंकि जब मैं इसको अगर लेटर सपोज कि मैंने ये रखा तो एट अ टाइम एक इसको टच करता है। सेम वे में यहाँ पे कर्व्ड सर्फेस है, इसका कर्व्ड सर्फेस एरिया जो है हाइट लेके चलनी है। हाइट क्या लेके चलोगे इसकी, क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, यानी कि कितनी इसकी कैपेसिटी है, कितनी ये क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। मान लो ये इस तरीके से है, यहाँ पे ऊपर से मैं कुछ डाल रही हूँ तो बेस कवर किया इसने πr² और इधर से ये हाइट कवर हो गई, ठीक है। तो πr² इंटू हाइट इज h, तो वॉल्यूम कितना आ गया πr² h, ठीक है। अब कोन को अगर मैं इसको आप कहो कि इसमें से कट आउट करूं मैं पोर्शन इस तरीके से सिलेंडर में से, मान लो ये सिलेंडर गिवन था मुझे, इसमें से मैंने क्या किया ये पोर्शन जो है वो कट आउट कर दिया और इसको इस तरीके से कट आउट किया कि इसके 3 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तीनों वॉल्यूम्स इक्वल हैं। तो जो मेरे पास अगर इसमें से मैं ये 2 पार्ट्स निकाल दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कोन विद द हाइट एच, सेम हाइट क्योंकि इसी कोन में से अगर मैंने निकाला है एंड रेडियस इज आर। इसमें जो ये वाली है इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट, L से डिनोट करते हैं, L इज द स्लांट हाइट। स्लांट आपको पता है दैट इज क्या होता है, कोई भी चीज जो तिरछी लेके आप चल रहे हो दैट इज स्लांट, ठीक है, जिसकी आप कह सकते हो कि कोई ना कोई स्लोप जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो हाइट वर्टिकल लाइन हो गई, रेडियस सेंटर से एंड पॉइंट तक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई जो ये हाइट है, दिस इज द स्लांट हाइट डिनोटेड बाई एल। अब क्योंकि ये आपका इस तरीके से राइट ट्राइंगल बन रहा है जिसमें दिस इज आर दिस इज एच, इसको चाहे मैंने एल से डिनोट किया है तो एल की वैल्यू जो है आप ये हाइपो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एल की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, एल स्क्वेयर का ये रूट इधर आ, तो एल इज इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, ठीक है। तो L की वैल्यू अगर आपको मान लो रेडियस गिवन है, आपको हाइट गिवन है, यू आर टू फाइंड आउट द स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, L इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, यहाँ पे भी क्योंकि पोर्शन कर्व बन रहा है तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे। क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया इसका, इसमें बेस नहीं लेना आपने, जो ये वाला पोर्शन बनेगा ये वाला चारों तरफ से दैट विल बी द कर्व्ड सरफेस। तो इसमें जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है दैट इज गिवन बाय पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल, क्योंकि एक बेस है, यहाँ पे दो बेसिस थे तो 2πr हमने लिया था, यहाँ पे सिंगल बेस है तो 2½ यानी कि पाई आर, और ये वाली स्लांट हाइट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। देन टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व्ड सरफेस में एरिया ऑफ बेस आप ऐड कर दोगे, पाई आर एल में आपने पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया,
यस एल प्लस आर। और वॉल्यूम की बात करें तो इसका वन थर्ड तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, वन पार्ट हमने लिया है, तो दिस इज 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। एल स्लांट हाइट है, एल इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर रेडियस, एच हाइट। किसका? दिस इज 1/3 ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर को यहां से मैंने बताया था ना आपको थ्री पार्ट्स में हम कर रहे हैं, 1/3 ऑफ द सिलेंडर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्फीयर, ये फर्स्ट टू इरेज कर दूं। अब स्फीयर में मुझे बताओ विल दिस बी अ कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया? लेटरल। स्फीयर क्या शेप होती है? हाँ जी, टू डायमेंशनल। क्या स्फीयर इज अ टू डायमेंशनल? स्फीयर इज थ्री डायमेंशनल। बॉल देखी है आपने, फुटबॉल देखी है, ऑल दीज आर रिप्रेजेंटिंग अ स्फीयर। क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड है क्योंकि इसमें कर्व है बीच में, तो कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर और टोटल सरफेस ऑफ अ स्फीयर दोनों सेम होते हैं? नो। इसके लिए आप अब जैसे विंटर्स आ रही हैं तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, या आजकल भी कर सकते हो, मौसमी या ऑरेंज लिख, ठीक है? आपने क्या करना है, जितना उसका है आपका रेडियस अप्रोक्सीमेटली आप निकाल सकते हो, तो उतना रेडियस आपने फोर सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं। उसके बाद जब आप उसके उसको पील ऑफ करोगे, उसके छिलके उतारोगे, तो यू विल सी कि वो जो आप उनको अरेंज करते हो उसके पील्स को, वो फोर सर्कल्स में अरेंज होंगे। अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका, एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जब हम खुद परफॉर्म करते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जो है उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो क्योंकि जब आप इसको पील ऑफ करके जो भी आपका ऑरेंज है या मौसमी जो भी आपने ली है वो फोर सर्कल्स में आपका जो है वो कवर अप करता है, इट मींस वो फोर सर्कल्स के एरियाज के इक्वल है। एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो फोर सर्कल्स का विल बी फोर पाई आर स्क्वायर। इसका लेटरल सर्फेस एरिया या सॉरी कर्व्ड सर्फेस एरिया और टोटल सर्फेस एरिया एक ही चीज है, इनको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। कुछ बुक्स में यहाँ आपको ब्लैंक मिलेगा, कुछ बुक्स में यहाँ पे फोर पाई आर स्क्वायर भी लिखा मिलेगा, रीजन बीइंग कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो टोटल सरफेस एरिया फोर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंटली करोगे यू विल सी कि वो फोर सर्कल्स में उसके जो पील्स है वो अरेंज होंगे। वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक डायमेंशंस, क्यूबिक यूनिट होती है वॉल्यूम में, तो दिस इज 4/r³। यहाँ भी आप चेक करोगे r की पावर 2 है, h की पावर 1 है, सम टोटल इज 3। हेयर ऑल्सो 2 and 1 3। ऊपर आपने a क्यूब किया था, 3 था वहां पे भी, l इंटू बी इंटू एच, पावर 1 1 1 है, सम टोटल इज 3। तो क्यूबिक यूनिट बनता है आपका हमेशा वॉल्यूम का, तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब आएगा, स्क्वेयर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। जब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, अपॉन में 3 नहीं है, दिस इज 4/r² एरिया है तो पावर 2 बन रही है, वॉल्यूम है तो पावर 3 बन रही है, ठीक है? उसके बाद आता है हेमिस्फेयर। हेमी मींस हाफ, तो हेमिस्फेयर मींस हाफ ऑफ अ स्फीयर। बॉल को आप अगर कट कर दो तो दिस इज हेमिस्फेयर। क्या हो गया बेटे? This is R. अब इस केस में अगर मैं ये भी चीज लेके चलती हूँ, ये हाइट नहीं होगी, यहाँ पे ये क्या होगा? R होगा। आपको पता है सेमी सर्कल जब आप लेके चलते हो, सेमी सर्कल में दिस इज रिप्रेजेंटिंग R, दिस इज रिप्रेजेंटिंग R, दिस इज अगेन रिप्रेजेंटिंग R. तो सेम वे में जब हम हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं तो ये भी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये भी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें जब हम कर्व्ड सर्फेस एरिया की बात करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया में ओनली दिस मच पार्ट इज देयर, ठीक है? तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई, एरिया है तो आर स्क्वायर। जब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की तो ऊपर वाला ये वाला सर्कल भी काउंट हो, तो 2 + 1 कितना बन जाएगा? ये 3 पाई आर स्क्वायर। एंड
वॉल्यूम की जब हम बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, स्फेयर के वॉल्यूम का हाफ हो जाएगा, तो दैट विल बी 2/3 πr³. आर इज द रेडियस. सो ये वाला आपका जो चैप्टर है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलास. ये अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, लर्न कर लेते हो, तो ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. ठीक है, कोई दो डायमेंशंस आपको गिवन होंगी और थर्ड वाली जो है वो आपको निकालनी होगी. सभी क्वेश्चंस आपके टोटली इसी पे बेस्ड हैं. उससे पहले आपका जो बुक में ये जो है ये नेट वाला आपने किया हुआ है छोटी क्लासेस में, तो ये जो है आपका गिवन है, ये एक बार रीड आउट कर लेना, आपको समझ आ जाएगा. इन केस इफ यू विल बी हैविंग एनी प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क. अब एक्सरसाइज 13.1 पे आओ. एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1. अ प्लास्टिक बॉक्स, पेज नंबर 213 है. बुक नहीं है बेटे, किसके पास नहीं है दोनों में, बुक कहाँ है? बिना बुक के मैथ्स हो जाता है, तो दोबारा नहीं जरूरत करने की. फिर तो ये बहुत अच्छा है, मैं एक बार बस सिलेबस खत्म करवाएंगे, दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है ना. 13.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर है. अब ये ध्यान रखना, जब भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे सबसे पहला काम यूनिट्स चेक करने, यूनिट्स सेम बना के देन यू विल प्रोसीड. अब दो यूनिट्स यहाँ पे हमें मीटर्स में गिवन है और एक यूनिट जो है वो हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर वाले को या तो आप बना लो मीटर या फिर मीटर वाले को सेंटीमीटर. मीटर वाले को सेंटीमीटर बना लेंगे, इजी रहेगा. अब इज टू बी मेड, हमें इन डायमेंशंस का एक प्लास्टिक बॉक्स बनाना है. कौन सी शेप बनेगी, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन है, डिफरेंट है. इट विल बी अ क्यूबॉइड. इट इज ओपनड एट द टॉप. ओपनड एट द टॉप मतलब टॉप की जो है डायमेंशंस वगैरह वो हमने नहीं ली. इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटर्मिन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. बॉक्स बनाना है हमने, क्या क्या बनाना है उसमें. यस, ये सारी साइड्स बनेगी, लेटरल साइड्स आ गई एंड देन बेस, टॉप से ओपन. जैसे ये है सेम ऐसा बनाना है. डायमेंशंस गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन है. अब इसका जब मुझे उसने क्या कहा, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड. कितनी शीट रिक्वायर्ड है इसमें, कितना एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड है, जितना इस बॉक्स का ये इन जो है फेसेस का एरिया बनेगा. तो क्या बनेगा एरिया, पहले लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया में वन बेस जो है वो आप ऐड कर दोगे, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 × L + B × H, पैरीमीटर इंटू हाइट, और उसमें आप ये L इंटू बी क्या करोगे, ऐड कर दोगे. टोटल सरफेस एरिया नहीं है. यहाँ आप दूसरे तरीके से कर सकते हो इसको, कि टोटल सरफेस एरिया आप निकाल लो, उसमें से ये टॉप का एरिया आप माइनस कर दो, या लेटरल सरफेस एरिया में बॉटम का एरिया जो है वो ऐड कर दो. तो दैट इज अप टू यू कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो. चलो जी, क्या लिखूं यहाँ पे मैं, डायमेंशंस बताइए क्या क्या गिवन है. अच्छा, जब आप ये नोटबुक पे बनाओगे तो प्रॉपर जो है कॉलम्स बना के देन यू विल राइट डाउन दीज फॉर्मूलास, और नीट एंड क्लीन वर्क हो ताकि बाद में आप यहाँ से प्रॉपरली इसको स्टडी कर सको. और दिस टाइम वी आर हैविंग द सब्जेक्टिव पेपर, तो ईच एंड एवरी कंसेप्ट, ईच एंड एवरी स्टेप यू हैव टू राइट डाउन. चलिए क्या आएगा, लेंथ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, कितनी गिवन है, 1.5 मीटर. तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या बनेगा, इंटू क्या करते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स हैं, 100, तो इंटू 100 करोगे तो दिस विल बी 150 सेंटीमीटर्स. उसके बाद हमें क्या गिवन है, विड्थ या ब्रेथ वी कैन से, कितनी गिवन है, ब्रेथ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स
1.25 मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो दिस इज 125 सेंटीमीटर एंड देन वी आर गिवन द हाइट 65 सेंटीमीटर डीप यानी कि हाइट गिवन है या डेप्थ यू कैन से अभी ऑलरेडी सेंटीमीटर में है तो वी नीड नॉट कन्वर्ट. अब एरिया ऑफ प्लास्टिक शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 65 है ओके. एरिया ऑफ प्लास्टिक शीट लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस. लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर इंटू हाइट प्लस एल इंटू बी. फिगर रफ साथ में बना दोगे. दिस इज रिप्रेजेंटिंग एल 150 सेंटीमीटर दिस इज बी दैट इज 125 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 65 सेंटीमीटर. रफ फिगर जरूर बनानी है आपने और बनानी पेंसिल स्केल से. रफ इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि सेम डाइमेंशंस वी आर नॉट टेकिंग. तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग एल दिस इज रिप्रेजेंटिंग बी एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग एच. तो वैल्यूज पुट कर देंगे. कितना है एल बी इज 125 एच इज 65 प्लस एल इंटू बी. कैलकुलेशंस बताओ क्या आएंगे. अलग अलग बताओ पहले. इंटू टू भी तो है. हाँ कितना आया 19,250. ओके एंड द नेक्स्ट वन हाँ 18,750. दोनों को ऐड करो. कितना आ रहा है ऐड करके. ऐड करके आंसर बताइए जल्दी से. ठीक आ रहा है. हाँ जी डन क्लियर. ये आ गया एरिया ऑफ प्लास्टिक शीट रिक्वायर्ड. कितनी शीट चाहिए हमें 38,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा इन केस अगर उन्होंने हमें गिवन होता यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड इन मीटर स्क्वायर तो क्या करना था यहाँ पे कन्वर्जन के लिए. हाँ वहां भी कर सकते हो अगर ऐसे करते तो. क्योंकि पॉइंट्स में मैं हमेशा गाइड करती हूँ कि सेंटीमीटर में करो क्योंकि पॉइंट्स में जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हो ना वहां पे गलती के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखना है अगर इसको मान लो अभी कहा नहीं है उन्होंने बट इन केस अगर वो कहते कि इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करना था. ओके यहाँ देखो अब 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं 100 सेंटीमीटर के. यूनिट क्या है वहां पे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूं मैं तो इज इट इक्वल टू 100. ये ध्यान रखना है आपने ठीक है. अगर वो मीटर स्क्वायर में है या सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो मल्टीप्लाई करके यानी कि उसका स्क्वायर लेके उससे डिवाइड करके. तो इन केस अगर वो कहता कि गिव द आंसर इन मीटर स्क्वायर तो इसको 10,000 से डिवाइड करना था. सेम वे में अगर क्यूब होता वॉल्यूम निकाल रहे होते तो किससे डिवाइड करना था 10 लाख से. ठीक है तो ये चीजें कहने को छोटी छोटी हैं ध्यान रखने हैं आपने इनका.
अभी फिलहाल उसने हमें मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कुछ भी नहीं कहा, तो मैंने आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में छोड़ दिया। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं वो, कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, ₹20। तो इट मीन्स अब इसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर। तो कन्वर्ट करो, अब आपको पता है किससे डिवाइड करने हैं आपने। लेट अस फिनिश दिस क्वेश्चन क्विकली। हाँ जी, दिस इज इक्वल टू 3.8 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹20, तो 3.8 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, यूनिटरी मेथड आपने यहाँ पे यूज कर दिया, दैट इज 20 × 3.8, दैट इज ₹76। सो दिस इज योर आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। एक आपका ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, एक आपका ये आंसर आ गया सेकेंड पार्ट का। सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो। होमवर्क में यू आर टू राइट डाउन दैट टेबल एज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज द बेल हैज गॉन, सो आई एम एंडिंग द मीटिंग। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क।